थोड़ी देर में खेल लेता हूँ, उसके बाद मैं जरूर से पढ़ लूंगा यार। एग्जाम्स के लिए तो 4 दिन बाकी है, आज थोड़ा सा टाइम पास कर लेता हूँ, आज थोड़ा आराम कर लेता हूँ, कल से पक्का पढ़ूंगा। एंड फिर कल आते ही हम बोलते हैं कि यार अभी तो और 3 दिन बाकी है, आज थोड़ा आराम कर लूंगा, अभी तो 2 दिन और है फिर पढ़ लूंगा। तो ये थॉट अगर आपके भी मन में आता ना दोस्तों, तो ये वीडियो आपको बिल्कुल ही देखना चाहिए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ राहुल जायसवाल एंड स्वागत करता हूँ आप सभी का हमारे चैनल JR टॉक्स में। तो दोस्तों आज का जो टॉपिक है, जैसा कि आपने टाइटल एंड थंबनेल पढ़ा होगा, बहुत ही विचित्र टॉपिक है, बहुत ही अनोखा टॉपिक है, साथ ही में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो कि है हाउ टू ओवरकम डिस्ट्रैक्शन। बहुत सारी वीडियोस इसके ऊपर आपने देखे होंगे, तो नॉर्मली बहुत सारी वीडियोस बड़े बड़े लोगों ने बनाया भी है इसके ऊपर। एंड मेरा जो ये वीडियो बनाने का मकसद यही है कि मैं अपने जो टारगेटेड स्टूडेंट्स है, जो हमारे स्टूडेंट्स के ऊपर ज्यादा मैं फोकस रहता हूं, उनको मैं कैसे डिस्ट्रैक्शन से दूर करूं। तो सबसे पहले सवाल ये उठता है कि व्हाट डू यू मीन बाय डिस्ट्रैक्शन, डिस्ट्रैक्शन का बेसिक मीनिंग क्या है। तो जैसे मैंने स्टार्ट में आपको क्या बोला कि आपको कुछ काम करना है, लेट्स सपोज आप पढ़ाई करना चाहते हो एंड आपको कुछ चीज रोक रही है उसको करने के लिए। जैसे मैंने बोला कि आप पढ़ना चाहते हो, लेकिन आपने क्या बोला कि मैं थोड़ा सा खेल लेता हूँ फिर पढ़ लूंगा, आपके 4 दिन बाकी एग्जाम के लिए, तो आप बोलोगे अभी तो आज मैं थोड़ा आराम कर लेता हूँ, फिर 3 दिन और बचेंगे उसमें मैं पढ़ लूंगा। तो ये जो चीज जो आपको रोकती है कोई भी काम करने के लिए, मैं सिर्फ पढ़ाई को यहाँ पे नहीं फोकस करूंगा, मैं हर एक चीज, चाहे अगर कोई मेरा यहाँ पे जो स्टूडेंट है वो देख रहा है तो उनके लिए मैं पढ़ाई के लिए फोकस रहूंगा, लेकिन उनके हर एक काम जो उनके लाइफ में होते हैं, ठीक है, चाहे वो उनकी पढ़ाई के रिलेटेड हो, चाहे उनके करियर के रिलेटेड हो, जॉब के रिलेटेड हो, हर एक कोई यहाँ पे अगर जो देख रहा है, यहाँ पे जो भी सब्सक्राइबर्स हमारे देख रहे हैं, ये हर एक के लिए मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ कि कोई भी काम आप करने के पहले जब सोच लेते हो कि यार ये चीज मैं नहीं करूंगा आज या फिर मैं नहीं कर पाऊंगा, तो वो चीज को हम लोग डिस्ट्रैक्शन बोलते हैं। तो क्या करना चाहिए हमें, ये जो डिस्ट्रैक्शन हो रहे हैं, जो हमें हमारे काम करने से हमें रोकते हैं, उस चीज को कैसे कंट्रोल किया जाए, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। और जो इंसान ये चीज को कंट्रोल कर लेता है, यानी कि जो डिस्ट्रैक्शन जो चीज है उसको कंट्रोल करके साइड में रख के और अपने काम पे लग जाता है दोस्तों, वो अपने लाइफ में जरूर से आगे बढ़ जाता है। एंड जो इंसान अपने काम के आगे जो डिस्ट्रैक्शन आ जाता है, वो डिस्ट्रैक्शन पे ही घुसा हुआ रहता है और वो काम पे कभी फोकस नहीं कर पाता है, तो ये जो चीज है ना, वो इंसान उधर का उधर ही जाता है और दूसरा इंसान आगे बढ़ जाता है और एक डिफरेंस क्रिएट हो जाता है वो दोनों इंसान के अंदर। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले आपको बताऊंगा डिस्ट्रैक्शन, ये तो मीनिंग आपको समझ में आ गया, कैसे कंट्रोल किया जाए। सबसे इंपॉर्टेंट गुरु मंत्र जिसको हम लोग बोलते हैं कि कोई भी चीज का डिस्ट्रैक्शन अगर है आपको और उसको कंट्रोल करना है, तो गुरु मंत्र यही है, कीप योरसेल्फ एज बिजी एज पॉसिबल। मतलब कि आपको अपने लाइफ में इतना बिजी हो जाना है कि आपको कुछ चीज सोचने का मौका ही ना मिले। जैसे कि अगर मैं स्टूडेंट से लेके एक कोई एडल्ट होगा यहाँ पे, उसके लिए मैं बताना चाहूंगा, हर एक के लिए मैं टारगेट कर रहा हूँ यहाँ पे आज। तो सबसे पहले मैं स्टूडेंट के लिए अगर बताऊं कि आपके लाइफ में अगर डिस्ट्रैक्शन आ रहे, तो वो डिस्ट्रैक्शन की जड़ तक पहुंचे, क्यों आ रहे। लेट सपोज आप पढ़ाई कर रहे हो, आपको लर्न करना है, आपके 4 दिन बाद एग्जाम है और आप बोलोगे कि यार आज मुझे मूड नहीं है, 4 दिन बचे। यार सोचो, थोड़ा सोचो, अगर आप लोग कोई भी चीज कर रहे हो, लेट सपोज आप गेम खेल रहे हो मोबाइल में या फिर आप आउटडोर गेम खेलने जा रहे हो, तो हर एक चीज का एक टाइम पीरियड बनाओ कि मुझे अगर गेम खेलना है तो 15 मिनट से खेलूंगा, आधे घंटा ही खेलूंगा, उससे ज्यादा नहीं खेलूंगा। अगर मुझे बाहर जाना है तो मैं वापस से आधे घंटे में लौट के आ जाऊंगा एंड फिर से मैं अपना काम करूंगा। लेकिन होता ये है ना दोस्तों कि जब भी हम लोग कुछ चीज करते हैं और ये सोचते हैं कि मैं थोड़ा सा कर लेता हूं, वो थोड़ा बहुत ज्यादा में कन्वर्ट हो जाता है। तो जो इंसान अपने आपको कंट्रोल कर लेता है टाइम बाउंड, यानी कि टाइम के हिसाब से अपने आपको रोक लेता है कि मैंने आधा घंटा अपने आपको दिया तो मैं आधा घंटा ही करूंगा, कुछ भी हो जाए मैं वापस लौट के आऊंगा और मैं पढ़ाई करूंगा, तो ये चीज जो कर लेगा वो आगे बढ़ जाएगा। तो समझ लेना कि उसको डिस्ट्रैक्शन नहीं हुआ, उसने जस्ट अपना मूड को स्विच किया थोड़ी देर के लिए रिलैक्स करने के लिए, तो उसको हम लोग कुछ और बोलेंगे, उसको हम लोग रिलैक्समेंट बोलेंगे, रिलैक्सेशन बोलेंगे, उसको हम लोग डिस्ट्रैक्शन नहीं बोलेंगे, क्योंकि उसने अपना लिमिटेड टाइम लिया और वो टाइम इस हिसाब से लिया कि उसने अपना मूड को फ्रेश किया और फिर से लौट के आ गया अपने पढ़ाई में। तो ये पढ़ाई के ऊपर नहीं, हर एक चीज के ऊपर फोकस होती है, चाहे आप कुछ प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहे हो, चाहे आप कुछ बना रहे हो, असाइनमेंट्स कर रहे हो, या फिर बहुत सारी ऐसी चीजें, चाहे वो जॉब में आप काम कर रहे हो, ठीक है ना, जैसे कि आप कंपनी में अगर कोई बड़े लोग हैं यहाँ पे, तो इंडस्ट्री में अगर जॉब कर रहे हो, तो कभी कभी ऐसा होता है कि हमारा जो दिमाग एकदम फ्रस्ट्रेट हो जाता है, ठीक है, तो हम लोग किसी और चीज के ऊपर फोकस करते हैं। लेट सपोज मैं कुछ गेम खेल लिया, ठीक है ना, कुछ भी कर सकता हूं, मैं टाइम पास कर सकता हूं जाके, तो वो टाइम पास करने के लिए मत करो, वो टाइम को यूटिलाइज करो। क्या यूटिलाइज कर रहे हो, कि अपना माइंड आप फ्रेश कर रहे हो और वो फ्रेश करके वापस से आ गए, तो ये डिस्ट्रैक्शन नहीं हुआ। तो डिस्ट्रैक्शन को रोकने के लिए सबसे ये चीज है कि अगर आप स्टूडेंट हो, आपका माइंड अलग अलग डायरेक्शन में भाग रहा है, तो आपको यही करना है कि आप जो है वो जो टाइम है उसमें भी आप दूसरा कुछ काम कर लो, साइमल्टेनियसली दो काम करो। एक काम में आपका दिमाग है, लेकिन दूसरा काम ये करो कि मुझे क्या करना चाहिए। लेट सपोज मैं खुद का ही एग्जांपल देता हूं और अपने कॉलेज के दिनों का भी कुछ एग्जांपल दूंगा। सबसे पहले करंटली अगर मैं बताऊं कि मैं आप लोग के लिए ये वीडियो बना रहा हूं, मतलब कहीं ना कहीं मेरा जो दिमाग है ये आप लोग को वीडियो बना के दे रहा है, ठीक है, मेरा जो दिमाग है उसमें जो भी वीडियोस मेरे मुंह से जो निकल रहे, जो भी इन्फॉर्मेशन निकल रही है वो आप लोग को है, लेकिन कहीं ना कहीं मेरा जो सबकॉन्शियस माइंड है वो ये भी सोच रहा है कि मैं नेक्स्ट वीडियो कौन सा बनाऊं या फिर अगला मुझे क्या काम करना है, आज पूरे दिन का शेड्यूल मुझे क्या करना है। तो इसका मतलब ये हुआ कि मेरा ध्यान डाइवर्ट नहीं हुआ, मेरा डिस्ट्रैक्शन जो है वो नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी मैंने 2-3 चीजें मैंने सोच के रखी हुई है मुझे करना है और मैं करके ही रहूंगा। दैट इज द हम लोग कैसे रोक सकते हैं डिस्ट्रैक्शन को, ये बात होगी, ठीक है।
और वही अगर मैं कॉलेज लाइफ के एग्जांपल्स दूं तो स्टडी के सबसे पहले रिलेट करूंगा मैं, तो जैसे कि मैं जब इंजीनियरिंग में था, आपको पता होगा इंजीनियरिंग में जो एकेडमिक सिलेबस होता है बहुत वास्ट होता है, यानी कि बहुत कम टाइम में बहुत ज्यादा पढ़ना होता है। तो जब हम थे तो नॉर्मली जब कॉलेज का जब एग्जाम्स का जब टाइम आता था तो नॉर्मली हम लोग को एक सब्जेक्ट को कंप्लीट करने के लिए 3 से 4 दिन मिलते थे, जो कि इतने मोटे मोटे बुक्स होते थे, ठीक है ना, डिपेंड करता है। तो वो इतने सारे सिलेबस को एक ही साथ कंप्लीट करने के लिए हमारे पास सिर्फ 3 या 4 दिन होता था। तो नॉर्मली मैं पर्सनली अगर मेरा मैं बताऊं तो मैं लगभग 14 आवर्स एक दिन में पढ़ता था, 24 घंटे में से 14 घंटा में पढ़ता था, और इसमें मेरे को कोई भी तरीके का डिस्ट्रैक्शन नहीं होता था। और मैं किस तरह से डिस्ट्रैक्शन होता भी था तो ओवरकम कैसे करता था, तो यहाँ पे मैं करता था कि लेट्स सपोज मेरे को पता है कि मेरे को ये चैप्टर पढ़ना है तो मैं क्या करूंगा, स्ट्रेट 2 घंटा पढ़ाई करूंगा। एंड वो 2 घंटे में अगर मुझे मन नहीं लग रहा है पढ़ने का तो मैं क्या करूंगा, मैंने टारगेट किया कि यार मुझे मन नहीं लग रहा है, मुझे माइंड को फ्रेश करने की जरूरत है, क्योंकि हमारा जो दिमाग होता है दोस्तों थक जाता है। अब थकने के बाद क्या चाहिए, उसको चेंज चाहिए, क्योंकि अगर वो एक ही चीज में फोकस है, पढ़ाई में ही फोकस है, तो उसको चेंज करने की जरूरत है। तो चेंज कैसे होगा, वो आप कुछ डाइवर्ट कर लो। लेट सपोज मैं करता था कुछ टीवी देख लेता था कि कुछ कॉमेडी शोज देख लिया तो माइंड फ्रेश हो गया, 15 मिनट दिया, ज्यादा से ज्यादा 15 मिनट दिया, फिर वापस आ गया, फिर से पढ़ाई किया। तो ऐसे में करता था अपना जो भी मेरे को, अगर फॉर एग्जांपल टोटल 24 आवर्स का अगर मैं शेड्यूल बताऊं तो 14 आवर्स में पढ़ाई करता था, उसमें लगभग 3 से 4 घंटे का ब्रेक हो जाता था, ठीक है ना, ज्यादा से ज्यादा। तो लगभग एक बोल सकते हो कि इतना ज्यादा ब्रेक होने के बाद और इतना ज्यादा कंटिन्यूस पढ़ने के बाद मैं अपने कॉलेज का पूरे कॉलेज का मैं सेकंड टॉपर हो पाया। तो ये क्यों पाया, क्योंकि मैंने अपने डिस्ट्रैक्शन को कंट्रोल किया। डिस्ट्रैक्शन अगर हो भी रहा है तो मुझे वो टाइम बाउंड से करना है, दैट इज द बेस्ट एग्जांपल यू कैन से। तो और एक चीज मैं बताऊंगा कि टाइम अगर आपको लग रहा है कि आपका वेस्ट हो रहा है, मतलब आप डिस्ट्रैक्शन में ऑलरेडी हो, लेकिन वो टाइम जो आप वेस्ट करना चाह रहे हो उससे ही यूटिलाइज करके आ रहे हो ना, दैट इज नॉट द डिस्ट्रैक्शन, ठीक है। तो सबसे पहले अपने टाइम को वेस्ट नहीं होने देना है, टाइम को यूटिलाइज करना है। अभी आप स्टूडेंट हो, ठीक है, तो आपके पास, मैंने आपको बहुत बार बताया कि आपके पास बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है, आप घर पे हो, नेट लगेगा खाली, इतने सारे स्किल्स अवेलेबल है मार्केट में, स्किल्स सीखो, क्या होगा, यूटिलाइज होगा। अगर आप कुछ भी काम कर रहे हो और आपको ऐसा लग रहा है कि मैं डिस्ट्रैक्ट हो रहा हूं किसी चीज से, तो आप क्या करो, कुछ नया चीज सीखो, नया चीज ट्राई करो, हो सकता है आपको उसमें इंटरेस्ट आ जाए। तो स्किल सीखो, कुछ भी नया चीज सीख सकते हो, पेंटिंग, ड्राइंग से लेके इतने सारी चीजें मार्केट में अवेलेबल है, ऑनलाइन कोर्सेस में अवेलेबल है, आप चेक कर सकते हो दोस्तों। तो ये चीज करोगे तो आपका जो ध्यान है वो 1 से 2 जगह पे लगेगा, और जो फालतू का डिस्कशन, जो डिस्ट्रैक्शन जो आपके दिमाग में आएगा ना, वो नहीं होगा, तो वो ओवरकम हो जाएगा ऑटोमेटिकली। दिस इज द गुरु मंत्र, ये आप लोग याद रखना, ये मैंने खुद पे अप्लाई किया हुआ है। तो ये चीज आप करोगे अपने लाइफ में जरूर से आगे बढ़ोगे, ठीक है। अपने आपको चेंज करने की कोशिश करो, जब तक अपने आपको आप चेंज नहीं करोगे, आप यही सोचोगे कि यार अभी तो चलो इंस्टाग्राम स्क्रॉल कर लिया, टाइम पास कर लिया, लेकिन इंस्टाग्राम में भी बहुत सारी ऐसी चीजें, वैल्यूएबल चीज, आप इंस्टाग्राम स्क्रॉल करो नो डाउट, लेकिन आप फालतू के उसमें कुछ कॉमेडी वीडियो देख लिया, चलो 10 मिनट देख लिया, ठीक है, लेकिन बार बार आप वही देखोगे, 1-1 घंटा 2-2 घंटा पड़े हो उसमें, गेम्स खेल रहे हो, 1-1 घंटा 2-2 घंटा पड़े हो, 4-4 घंटा कुछ कुछ तो पूरे दिन बिता देते हैं। तो इट इज नॉट, बोलते ना हम लोग यार ये वर्थ ही नहीं है कुछ भी, आपकी लाइफ मतलब क्या है, आप सिर्फ गेम खेलने के लिए यहाँ पे आए हो, दुनिया में आए हो, नहीं, आपको अपने लाइफ में कुछ अचीव करना है, अपनी पहचान बनानी है, अपनी वजूद बनानी है, ठीक है। तो वो कब होगी, जब आप कुछ एक्स्ट्रा करोगे, अपना एफर्ट्स लगाओगे वो चीज में, तो वो जरूर चीज ध्यान में देना दोस्तों, आप लोग को बहुत काम आएगी। स्किल सीखो, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है डिस्ट्रैक्शन से बचने का, वो है मूड। मूड आपका अच्छा रहेगा, कभी भी आप डिस्ट्रैक्ट नहीं होगे, आपके बॉडी को फिट रखोगे, एक्सरसाइज करो, इट इज ऑल्सो ए वेरी इंपॉर्टेंट गुरु मंत्र। अपनी बॉडी जब फिट रहेगी तो आपका ध्यान जो है ना आराम करने को नहीं बोलेगा कि मेरे को आराम चाहिए, आप बोलोगे 4 दिन है एग्जाम के लिए, तो आप 4 दिन लगातार पढ़ोगे तो आप टॉप ऑटोमेटिकली करोगे। तो वो चीज ध्यान में रहो, फिट रखो, मूड अच्छा रखो, अपने आप डिस्ट्रैक्शन दूर हो जाएगा। और होता भी डिस्ट्रैक्शन तो उसको टाइम बाउंड कर दो, यानी कि 1/2 आवर कर दो, 15 मिनट्स कर दो, उससे ज्यादा नहीं। अपना एक पहचान बनाओ अलग से और जरूर उसके ऊपर फोकस करो, एक ना एक दिन आपको रिजल्ट जो है सामने दिखेगा दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही मैं कहूंगा, उम्मीद करता हूं कि ये आपको चीज समझ में आ गई होगी, हाउ टू ओवरकम डिस्ट्रैक्शन। बहुत सारी चीजें मैंने आपको ऐसी बताई जो अपने लाइफ में आपने सुनी भी होगी लेकिन कभी इंप्लीमेंट नहीं किया, आज दोस्तों ये मेरी बात सुनने के बाद अपने लाइफ में इंप्लीमेंट करके देखो। 21 दिन तक जैसा मैंने एक वीडियो बनाया था, 21 डेज हम लोग कोई भी काम करते हैं तो वो चीज आदत बन जाती है, तो 21 डेज एक तरीके से मुहिम स्टार्ट करो और कोशिश करो कि 21 दिन तक मैं कर पाऊं। अगर ये चीज कर लोगे जरूर से अचीव कर पाओगे दोस्तों, हाउ टू ओवरकम डिस्ट्रैक्शन, है आपका डिस्ट्रैक्शन भी जरूर दूर होगा और अपने लाइफ में आप लोग जो करना चाहते हो, जो बनना चाहते हो, वो जरूर से बन पाओगे, ठीक है फ्रेंड्स। तो आज के लिए इतना ही, उम्मीद करता हूं कि हमारा ये जो एक तरीके से वीडियो था और आप लोगों को इंस्पायर करने के लिए और मोटिवेट करने के लिए और आपके डिस्ट्रैक्शंस को दूर करने के लिए जो मैंने एक तरीके से बोला है आपको, जो भी ये आपको अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया, थोड़ा भी हेल्प करेगा अगर आपके लाइफ में, तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने सारे फ्रेंड्स लोग को। न्यू चैनल है दोस्तों, सपोर्ट की जरूरत है तो फटाफट से शेयर कर देना। एंड दोस्तों अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर देना, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर देना, ताकि जब भी हम लोग वीडियो लेकर आएंगे आप लोग को नोटिफिकेशन मिलती रहेगी, ठीक है फ्रेंड्स। तो मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में, ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।